बहन उठा के नलाती जो लाश अकबरी से, ये है शिमरे किसी ने बालों से पकड़ा कोई उठा के चला, किसी ने बालों से पकड़ा कोई उठा के चला, सरे हुसैन को मारा किसी ने पाथर से, किए हैं शिमर ने उसे उठाया है बाबा की लाश से, ऐसे उसे उठाया है बाबा की लाश से, ऐसे के फिर सकीना नहीं सोई शिमर के डर से, किए हैं शिमर ने बुलाया शाम के, जिंदा में जा सकीना ने बुलाया शाम के, जिंदा में जा सकीना ने हुसैन प्यार से पलट आए हौज़े कौसर से, किए हैं शिमर ने बहने का पर्दा, तकल्लुम उसे बनाना था, बहने का पर्दा तकल्लुम उसे बनाना था, सुना रहा था ओ कुरान सिना के मिंबर से, किए हैं शिमर ने लहू हुसैन का पोंछा, बहन की चादर से, करवा पे मोहम्मद बिन मोहम्मद अकबर, बिस्मिल्लाह। अल्लाह भाई, जजाक अल्लाह मानो कि बहुत अच्छा लगा आपको। आज किस मानो कि आज किस लिए सुनसान गोद है, बच्ची को क्या हुआ रे वीरान गोद है, माँ सर झुकाए बैठी है वीरान गोद है, बाली सकी मोहम्मद अकबर के बानू के बने मेरी गोदी उजड़े गए, बाकी थे शकी एक नशानी किधर गए, यार अब क्या करूं मेरी बच्ची बिछड़े गई, अम्मा को रोने छोड़ के बेटे किधर गई, आवाज एक बार
अम्मा को सुनाओ तो बानो जिए तो कैसे जिए ये बताओ तो धूप से शादी रचाऊंगे दिल के तमाम आए मरमा निकालूंगी ये क्या खबर थी खाक में तुझको मिलाऊंगे मैं बदनसीब रह गई रोने के वास्ते तुम जा रही हो खबर में सोने के वास्ते सज्जन बोले सब्र करो तुम पे पिता मैयत उठाने झुक गया बीमार बे दवा मूरख के मुंह पे बुआ बहने तेरे पिता तुझको मिलाने खाक में सजाद रह गया थर्रा हाथ और मुसीबत बपा हुए मैयत का उड़ा था के कयामत बपा हुए मैयत निकल लाए चरा कान पराया मकान है कुर्ता कफन है फूल ना साहेबान है गुर्बत की मौत है ये यतीमी की शान है मैयत बहन की भाई के हाथों पे आती है सकीना खबर में सोने को जाती है माँ सर को पीट कर ये कहती है बार बार आहिस्ता लेके जाइयो बेटा तेरे निसाब जाकर ना फिर ये आएगी बाबा की सोगवार जी भर के देख लेने दो फिर मुझको एक बार लोगों बताओ कैसे मैं अपनाने दो इसे माहू मैं कैसे गाड़ने ले जाने दो इसे भाई के हाथ जोर से जब थर थर आते हैं नन्नी सी लाश सीने से लिपटाए जाते हैं जंजीर जब उलझती है घबराए जाते हैं सूरत बहन की देखते हैं रोते जाते हैं सदमे बहुत उठाई है बेटी हुसैन की गर्दन भी है छिली हुई इस दुरैन की आबिन ने दिल को थाम के मरकज बना लिया और धर धर आते हाथों से मैयत लिटा दिया आया जो प्यार गोदी में फिर अपनी ले लिया मुंह चूमा देखा यार आये रो दिया लिपटा के नन्नी लाश को आंसू बहाते थे उस बेकसी को देख के दरबा भी रोते थे आखर लिटाया खबर में मैयत बहाले हिला कहने लगी के बार बार तारीखी ये मजार से डरना ना दिल फगार गोदी समझ के सोइयो माँ की तेरे निसार ये कह के मिट्टी डालते थे मुंह को फेर कर ये कह के मिट्टी डालते थे मुंह को फेर कर और फातिहा भी पढ़ के उठे थाम कर जिगर शुक्रिया मोहम्मद भाई फातिहा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
السلام على عبد الله بن الحسين الطفل الرزيل مربي السريل مشهد دمن المسعد دمه في السماء لان الله والملا بنكائل الصديق اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم خورشید علی خراسانی ابن مرحوم عبد الغنی خراسانی اور مرحومہ خدیجہ بیگم بی بی جان بنت مرحوم ذاکر حسین کی روح کو اسال فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذان گرامی محترم اور معزز سامعین اکرام ہماری مستقل گفتگو چل رہی ہے اور آج پھر گفتگو آگے بڑھ رہی ہے دیکھیے تاریخ کا ایک سلسلہ ہے جس کے حوالے سے آج پھر چند باتیں آپ سے کرنی ہیں پیغمبر اکرم کا مدینے ہجرت کر جانا ایک نئے دور کا آغاز تھا وہ اس نئے شہر میں نئے اصحاب سے جا ملے تھے جب مکے سے پیغمبر نے ہجرت کری اس وقت جو زندگی شروع ہوئی ہے نا عزیز وہ بالکل ایک نیا دور نیا زمانہ نئے حالات نیا ماحول نیا منظر تھا وہ اس نئے شہر میں نئے اصحاب سے جا ملے تھے جنہوں نے جان و مال سے آپ کی مدد کی اور حمایت کرنے کا عزم کیا تھا نبی کی آمد پر انہوں نے اتنا بھرپور استقبال کیا جس کی نظیر تاریخ میں بہت کم ملتی ہے روز بروز ان کے اور آپ کے تعلقات مستحکم ہو رہے تھے اور سارا شہر اسلام کی طرف بڑھ رہا تھا البتہ کچھ ایسے بھی سنگ دل لوگ تھے جو اسلام کا کھول چڑھا کر بت پرستی کو دل میں سجائے ہوئے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو کھلم کھلا کفر و شرک پر باقی تھے مدینے کے اطراف میں یہودیوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی یہ لوگ جناب رسول کی آمد سے ناخوش تھے اور انہوں نے آہستہ آہستہ عربوں اور قبائلی علاقوں کے لوگوں کی مخالفت پر اکسانا شروع کر دیا تھا ادھر نبی اس وقت رکھ رکھاؤ ہی سے معاملات کو حل کرنا چاہتے تھے لہذا انہوں نے تمام چیزوں سے صرف نظر کیا لیکن ان لوگوں نے قریش کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے مدینے پر چھاپا مار کر قسم کے حملے نئے نئے طرح کے حملے شروع کر دیے ایک جملہ میں آپ سے کہوں جو 86 جنگ جو فقرہ میں نے کل آپ کی نظر کیا تھا وہ دوہرا رہا ہوں 86 جنگ ہوئی ہے اسلام میں مگر یاد رکھیے مکے کی زندگی رسول کی زیادہ ہے مدینے کی زندگی رسول کی کم ہے بس آپ ایسے اندازہ لگائیں کہ مدینے میں رسول نے صرف 10 سال یا 11 سال گزارے ہیں ساری زندگی 63 سالہ زندگی نبی کی مکمل مکے میں گزری ہے مکے سے ہجرت کرنے کے بعد جو مدینے آئے تو ہجری شروع ہوئی سن 11 ہجری میں رسول کا شہادت ہے تو 11 سال آپ مان لیجئے کمپلیٹلی کم و بیش 11 سال نبی مدینے میں رہے مکے کی مکمل زندگی میں نبی کی کوئی جنگ نہیں ہے مگر 11 سال کی زندگی میں نبی مسلسل جنگوں میں رہے تو آخر یہ 50 مکے کی زندگی میں 50-52 سال کوئی جنگ نہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے میں کوئی ایسا مضبوط سینہ تھا جو نبی کسی پر بنا ہوا تھا جس نے ساری جنگوں کو اپنے سینے پہ روکے ہوا تھا اور وہ سینہ کوئی اور سینہ نہیں تھا وہ ابو طالب کا سینہ تھا جس نے تمام دنیا کی جنگوں کو اپنے سینے پہ روکا تھا مگر رسول کے ساتھ تو کوئی حرب نہیں آنے دینا تھا یہ ہے کمال خیر سنیں آپ تاریخ ہے یہی جو مدینے کے اطراف یہودی وغیرہ تھے انہوں نے قریش سے جو مکے میں لوگ تھے جو نبی کے مارنے پر تلے ہوئے تھے ان لوگوں کے ساتھ مل جل کر چھاپے مار قسم کے حملے شروع کر دیے اور واضح سی بات ہے کہ اس نازک موقع پر نبی کو کوئی کمزور اور بے جان موقف اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا لہذا مجبوراً آپ نے بھی جوابی کارروائیاں کی جس کی زد میں ان کے تجارتی قافلے بھی آ گئے یہ جو کاروائیاں چھوٹی چھوٹی ہوئی ہیں اور یہ جو تجارتی قافلہ ہیں یہ بھی جنگوں کا ایک سلسلہ ہے ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ اللہ نے کھلے عام رسول کو جہاد کرنے کا حکم دیا اور قرآن میں آیت بھیجی ہے رسول خدا کی راہ میں جہاد کرو تم اپنے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو لہذا مومنوں کو جہاد کی ترغیب دو
और अनकरीब खुदा काफिरों की हैबत तोड़ डालेगा और खुदा का जलाल और उसकी सजा इस सब से कहीं ज्यादा सख्त है। इस हुक्म के बाद कई सराया भेजे गए, वही सराया जो छोटी छोटी छड़ पे होती थी, काफिला जाना है उस पर लड़ाई हो गई, उस पर हमला हो गया, थोड़ी सी जंग हुई, काफले के सामान को लिया और छोड़ दिया, इसे सुरैया कहते हैं, ये जो 86 जंगों में शामिल थी। लेकिन एक बड़ी बाकायदा जंग कुछ अरसों के बाद हुई जिसे तारीख बद्र या दूसरे बद्र कुबरा या बद्र के नाम से याद करती है। ये तारीख इस्लाम की पहली जंग थी। इस जंग ने कुरैश और दूसरे कबीलों पर साबित कर दिया था कि जंगों में कामयाबियां असलहा और ताकत के बलबोते पर नहीं बल्कि खुदा पर ईमान और अकीदे की खातिर जाने कुर्बान करने से हासिल होती है। अजीजाने ग्रामी, आपने जुमले का गौर ही नहीं फरमाया, जुमले पे तवज्जो ही नहीं की। बद्र की तादाद थी 315 लोग या 312 लोग या 314 लोग, मुख्तलिफ रवायत में ये समझ लीजिए 300 से कुछ ज्यादा, ये थी बद्र की तादाद। और बद्र की तादाद ने बताया कि जंग जीतने के लिए असलहों की जरूरत नहीं, जंग जीतने के लिए तलवारों की जरूरत नहीं, जंग जीतने के लिए नेजों की जरूरत नहीं, जंग जीतने के लिए फौजियों की और सिपाहियों की और हट्टे खट्टे पहलवानों की जरूरत नहीं है, बल्कि जंग जीतने के लिए खुदा पर ईमान हो, अकीदे की खातिर जाने कुर्बान करने का जोश हो, अगर ये दो चीजें आप पर हैं तो फिर जंग आप जीत जाएंगे। अरे बदल में रसूल ने यह कानून बनाया कि जंग जीतने के लिए अल्लाह पर ईमान हो और अकीदे की खातिर जाने कुर्बान करने का हौसला हो तो फिर तादाद से कुछ नहीं होता, जंग हर हाल में जीती जाती है। यही तो वजह है कि रोजे आशूरा सिर्फ 72 अल्लाह पर ईमान रख के आए, अकीदे की खातिर हथेलियों पे जान रख के आए और 72 900,000 पे फतहा ले गए, इसलिए कि उन्हें अपनी जाने कुर्बान करने से ज्यादा हुसैन पे कुर्बान होने का हौसला था, अपनी जाने निछावर करने का हौसला था। कि हमें पता है एक शेर है बड़ा प्यारा, काश मेरे याद आ जाए इस वक्त के, हाँ मरकज़े अनवार से वाबस्तगी मिल जाएगी, दागे मातम खिल उठेंगे, रोशनी मिल जाएगी और करबला में इसलिए करते हैं मरने की दुआ, मौत आई कर यहाँ तो जिंदगी मिल जाएगी। ये है करबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, करबला इसलिए कि जाने कुर्बान करने का हौसला होना चाहिए, जान का हथेली पे रखने का हौसला होना चाहिए। कितनी ही मर्तबा ऐसा हुआ कि खुदा की इजाजत से महदूद और मुख्तसर लश्कर बड़ी बड़ी फौजों को शिकस्त दे देते हैं और वाकई जंगे बद्र में भी खुदा की मर्जी से मुसलमानों को फतह नसीब हुई और अल्लाह ने ईमान वालों को साबित कदम रखा और अली और हमजा जैसे अफराद के हाथों कुरैश को इस जिल्लत और खारी से दोचार किया कि कोई घर भी इस दाग से महरूम न रह सका। इस नुसरत की धाक यहूदियों और दूसरे कबीलों पर जा बैठी थी। ये बद्र में भड़की हुई आग थी, ये बद्र में भड़की हुई आग थी जो लोगों ने अपने दिलों में बिठा ली और ये अली से दुश्मनी का आगाज था। इसीलिए तो बादे करबला जब औलादे अली को कत्ल कर दिया गया तो दरबार में यजीद ने शेर पढ़े कि काश के बद्र के मक्तूल देखते मैंने उनका किस तरीके से बदला लिया। इसका मतलब यह है कि करबला की जंग हुसैन और यजीद की जंग नहीं थी बल्कि शिर्क और इस्लाम की जंग थी, कुफ्र और ईमान की जंग थी। एक तरफ ईमान था, एक तरफ कुफ्र था, एक तरफ इस्लाम था, एक तरफ शिर्क था। शिर्क को फतह ना मिली, बस जाहिर जीत यजीद की हुई कि उसे लगा कि मैंने कत्ल कर दिया तो मैं जीत गया, सर काट दिया तो मैंने जीत गया। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, सर काट देने से जीत नहीं मिलती, ज़बान खामोश करा देने से जीत मिलती है। यजीद ने सर काट दिया मगर नोक नेज़ा पे हुसैन ने तिलावत करके बताया कि जहां सर कटे हुए सलाम करे और कलाम करे उन्हें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। ये इस्लाम की फतह का ऐलान, ये फतह है इस्लाम का ऐलान। दुनिया सोच रही है कि मिटा दिया,
दुनिया सोच रही है कि खत्म कर दिया, नहीं अज़ान गिरामी, एक जुमला मैं अक्सर पढ़ता हूँ, 1400 साल हो गए जितना जुल्म इस पे, आगे की बातें मैं भी थोड़ी देर बाद मजलिस में करूंगा, एक जमाना हो गया, एक दौर गुजर गया, एक अरसा गुजर गया, किस चीज को, इसी चीज को, तो उस अहनियत को मिटा दिया जाए, आजादारी को नीस्त नाबूद, लेकिन खुदा का शुक्र है जिंदगी में आज तक कोई हुसैनियत का बाल बाका नहीं कर सका। हुसैनियत कल भी जिंदाबाद थी, हुसैनियत आज भी जिंदाबाद है, हुसैनियत कल भी जिंदाबाद रहेगी। इसको उस वक्त देखिए एक जुमला है और बड़ा खूबसूरत जुमला है, घर को उस वक्त तक ढाया ही नहीं जा सकता जब तक घर का मालिक सामने खड़ा हो, मालिक के होते हुए वारिस के होते हुए विरसे पे कोई आंच नहीं आती, और जिसका वारिस मौजूद हो उसके विरसे का कोई हर्फ नहीं आ सकता। और हुसैनियत का एक वारिस आज भी पर्दे गैर में बैठा है और बैठ के हमारी हिफाजत कर, मौत बरहक है लेकिन हमारे यहाँ एक कमाल है, खुदा की कसम इस जुमले को महफूज कीजिएगा, ये कमाल है जाते अहले बैत अलैहिस्सलाम का कि जो उनसे मंसूब हो गया उनकी मौत को शहादत का दर्जा मिलता है, मर भी जाते हैं तो हम शहीद कहते हैं। बस अजीजाने गिरामी, बात मुकम्मल हुई, वक्त खत्म हुआ, एक रवायत पढ़ता हूँ मसायब की और आप क्रिया फरमाइएगा। मुहद्दिस कुम्मी लिखते हैं, अबू हारून मकफूफ जो गालिबन ना बीना थे और इसीलिए उन्हें मकफूफ कहा जाता था, एक बरजस्ता शायर थे और इमाम हुसैन का मरसिया कहते, वो कहते हैं कि एक दिन इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने मुझसे ख्वाहिश की कि तुमने हमारे जद्द बुजुर्गवार का जो ताजा मरसिया कहा है वो सुनाओ। मकफूफ कहता है कि मैंने अर्ज की कि मौला जो आपका हुक्म, अल्लाह दुआ करना अजीजों मेरे हक में थी, अगर बात आंख से आंसू का कतरा भी आ जाए तो दुआ। इमाम सादिक ने फरमाया है कि घर की औरतों से भी कहो कि वो पर्दे के पीछे आकर बैठ जाए ताकि वो भी मरसिया सुन सके। चुनांचे घर की तमाम औरतें पर्दे के पीछे आकर बैठ गई। जो आज हमारे यहाँ मजलिस होती है हुसैनिया में, इदारे में, अलीला में, बीबी सकीना में, या फाते मंजी, ये तो खैर आपके इलाके की जगह है, नगर में, इधर उधर जहाँ भी ये जो पर्दों का रवाज है ना कि पसे पर्दा औरतें बैठती है, खवातीन बैठती है, ये हमारी मासूमीन की अदा। मकफूफ ने अशआर पढ़ना शुरू किए, आप हजरात भी उन अशआर के मजमून को, और मैं जो आपको अशआर सुनाऊंगा बस उन अशआर को सुनिएगा और आंखों से आपके आंसू रवा हो जाए। अगर जो जनाब मकफूफ ने, जो जनाब आरू अबू हारून ने शेर सुनाया बस उस शेर सुनिएगा, वो सिर्फ 5 मिसरों से ज्यादा नहीं है, लेकिन जब मकफूफ ने उन्हें पढ़ा तो इमाम सादिक के बैतुश शरफ में कोहराम बपा हो गया, खुद इमाम सादिक इस तरह गिरिया फरमा रहे थे कि आपकी आंखों से को और अश्क गिर रहे थे और आपके कांधे हरकत कर रहे थे, आपकी आंखों से दमादम आंसू निकल रहे थे, इमाम के बैतुश से नाला और शेवन की सदाएं इस कदर बुलंद हुई कि खुद इमाम ने फरमाया बस इतना काफी है। अजीजो अंदाजा लगाओ 5 मिसरों पे इमाम ने ठहरा दिया। जानते हो अबू हारून ने क्या मिसरे पढ़े? अबू हारून ने पढ़ा उमरुर अला जसदिल हुसैन फकुल आज़म हिस्कीया आ आज़मन लाज़िलत मिन वत्फा इंसा के बतिन रविया व इज़ा मरर तो बकबर ही फ़ातिल बही वक्फल मतियते वबकिल मुताहरे लिल मुताहरतिन नकियते कबुका मुअव्वलतिन अंत योमन लवाहिद हिलमनियते। ये 5 मिसरे पढ़े हैं अजीज, तो 5 मिसरों का तर्जुमा सुनो, अगर वाकयन मजलिस सुन रहे हो तो अंदाजा लगाओ जिन 5 मिसरों पर इमाम ने रोक दिया उन 5 मिसरों पे क्या कोहराम मचा होगा मेरे मौला के घर। फरमाया ए मौजे सबा जब करबला से गुजरना तो हम आशिकों का पयाम व सलाम पहुंचाना और आपके पाक जिस्म की मुकद्दस हड्डियों से कहना कि तुम हमेशा हुसैन के अज़ादारों के अश्कों से सेहराब होती रहोगी।
वो आंसू बहाते रहेंगे ताकि तुम्हें सैराब करते रहे। एक दिन तुम पर पानी बंद कर दिया गया था और मौला हुसैन को प्यासा शहीद कर दिया गया था, मगर अब उनके शिया हमेशा अपने आंसू तुम पर निछावर करते रहेंगे। ए बादे सबा, जब कब्र हुसैन से गुजरना तो सिर्फ इतना ही कहना, बल्कि इतना ही न कहना, बल्कि कुछ देर बाद थम जाना और उनके मसायब को याद करके खूब रोना। तेरा रोना एक आम आदमी के रोने की तरह ना हो, बल्कि उस तरह रोना जैसे इकलौते बेटे की मौत पर उसकी मां रोती है। हाँ, इकलौते बेटे से बिछड़ जाने वाली बेकरार मां की तरह मौला हुसैन पर रोना, जो खुद भी पाक थे, जिनके बाप भी पाक थे, जिनकी मां भी पाक थी। अरे जिन पे कोई ना रोया, इबादे सबा तू उस पे रोना और हमारा सलाम व पयाम कहना। अला लअनतुल्लाह अलल फौज़िज़्ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बिज़न्बि क़ज़ाइहि तस्लीमन लिअम्रिह। इलाही बहक अबीहा व बालिहा व बदीहा बरिला, हमारी इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। हुसैनियत के परचम को सरबलंदी अता फरमा। हुसैनियत के दुश्मनों को नीस्त व नाबूद फरमा। जो मोमिनीन जिस परेशानी में मुब्तला है उनको परेशानी को दूर फरमा। मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा। जन्नतुल बकी की जल्द अज जल्द तामीर फरमा। जो बीमार है उन्हें शफाए कामला व आजला अता फरमा। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जन्नतुल बकी की जल्द अज जल्द तामीर फरमा। उलमाए किराम का साया हमारे सरों के बरकरार रख। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। आप हजरात एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर मरहूम खुर्शीद अली खुरासानी, इब्ने मरहूम अब्दुल गनी खुरासानी और मरहूमा खदीजा बेगम बिली जान बिन्त मरहूम जाकिर हुसैन के रूह को इसाल फरमा दे। زیارت امام بسم اللہ السلام علیکم اب عبد اللہ وعلی الواحد علی وعلی الارواح اللہ دخلت بفنائک علیک منی جمیعا سلام اللہ عبدا ما بقید بقی اللیل والنہار ولا جعل والآخر الہد من اللہ جاردکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین अस्सलामु अलैकुम जमीअन शहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। अस्सलामु अलैका गरीब अल गरबा। अस्सलामु अलैका मुइन अल ज़ौफ़ व अल फ़ख़्रा। अस्सलामु अलैका या शम्श शमूस व निसन नफूस। अस्सलामु अलैका या अल मतवन व बरदतूस। अस्सलामु अलैका अबुल हसन अली इब्न मुसीर दारी के जिस्मन खुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। अस्सलामु अलैका या फातिमा अल मतवन द बरदतूस व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان 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 الاجل۔ السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن۔ السلام علیکم یا مظہر الایمان۔ السلام علیکم امام الانس والجان۔ السلام علیکم یا شریک القرآن۔ السلام علیکم امام الزمان ناز جل اللہ فرجک وسهل اللہ مخرجک وظهورک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ صلوات اللہ محمد محمد یا علی نعرہ خیبری یا علی نعرہ صفداری یا علی نعرہ پنجتنی یا علی نعرہ غدیری یا علی نعرہ خزبری یا علی نعرہ صلوات आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया जजाक अल्लाह शबीर भाई। मोमिनीन हज़रात से दुआ
खुदा हाफिज़ सबको, खुदा हाफिज़। आठ बजे एक है, 9:30 दो मजालिस है और भी इंशाल्लाह। इल्तमास, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।